हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका भाई गुरु, और आज मैं बताऊंगा कि आप ग्रेनी हॉरर मल्टीप्लेयर गेम को कैसे अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलो, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको प्ले बटन पे क्लिक करना है और मल्टीप्लेयर को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आप रीजन चूज़ कर सकते हैं। मैंने एशिया चूज़ किया है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें दबाना है प्ले का बटन, और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, रैंडम, क्रिएट एंड जॉइन का। तो आप रैंडम का मतलब तो जानते ही हैं, आप क्लिक करेंगे और किसी के साथ भी कनेक्ट होके खेल सकते हैं। तो हमें जाना है क्रिएट गेम पे, ठीक है। आपको क्रिएट गेम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने रूम का नाम क्रिएट करना है इस तरह से। मैं यहाँ पे अपने रूम का नाम क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ प्रो गेमर गुरु। ओके, तो मैंने क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप जितने भी फ्रेंड चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। और नीचे जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको प्राइवेट चूज़ करना है। ओके, प्राइवेट चूज़ करने के बाद आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो ज्वाइन बटन में जाके आपका नाम डालें और सर्च करें। और सर्च करने के बाद वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर आप अपने दोस्तों के साथ इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट होके इस गेम को अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं बैक। फिर से हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, अब हम क्लिक करेंगे ज्वाइन बटन पे। ज्वाइन बटन में क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा रूम का, रूम नेम का। तो आपके दोस्त ने जो भी रूम बना रखा होगा उस नेम को आपको यहाँ पे फिल करना है इस तरह से, और उसके बाद आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक कर देना है और आप अपने फ्रेंड के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, और फिर आप अपने दोस्तों के साथ इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ इस गेम को खेल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।